नमस्कार, जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहता जेएमए न्यूज, बातमी आहे मुंबईतून। अयोध्येत राम मंदिराबरोबरच महाबुद्ध विहार बांधण्यासाठी आज देशभरातून आवाज उठवला जात आहे। उत्खननावेळी जे अवशेष सापडले त्यात प्रामुख्याने बुद्धकालीन शिलान्यास, स्तूप, बुद्ध मूर्त्या सापडल्याने बाबरपूर्व काळात अयोध्येत बौद्धांचे वास्तव होते असा ठाम विश्वास व्यक्त करत महातेरव भदंत डॉक्टर राहुल बोधी यांनी राम मंदिराबरोबरच बुद्ध विहार बांधण्याची मागणी केली आहे। उत्खननावेळी सापडलेले अवशेष जतन करण्याचीही मागणी सरकारकडे केली आहे। आमचे प्रतिनिधी राजकुमार विश्वकर्मा यांनी या संदर्भात केली चर्चा, चला तर पाहूया। जेएमए न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम चेंबूर के तिलकनगर में हैं। एक आश्रम है भिक्खू समाज का, और साथ ही साथ मेरे यहाँ पर भिक्खू समाज के भदंत जी बैठे हुए हैं, उनके शिष्य यहाँ सारे बैठे हुए हैं। उनसे चर्चा करने से पहले हमारे दर्शकों को बताता चलूं मैं कि कल बकरी का त्योहार पूरी सफलतापूर्वक सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक संपन्न रहा। आज बकरी का दूसरा दिन है और कल रक्षाबंधन त्योहार है, और इसी महीने के अंदर गणपति, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ा त्योहार जो होता है गणपति त्योहार, भी इसी महीने होने जा रहा है। और साथियों, इस सब के बीच में 5 अगस्त 12:15:15 पर इसकी साहित्य रखी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिला पूजन होना तय हुआ है, और कहीं ना कहीं मोदी जी के आगमन पर सारी विपक्षी पार्टियां इतराज जता रही है। खासकर एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुद्दा उछाला है कि प्रधानमंत्री को शिलान्यास में नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री या सरकार में रहने वाले लोग किसी एक विशेष धर्म और जाति के नहीं होते हैं, और साथ ही साथ कई लोगों ने भी इस बात का विरोध किया कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। वही दूसरी ओर हमने देखा है पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक चीज फैलती चली जा रही है, भिक्षु समाज बौद्ध धर्म के लोग भी अब ये मांग उठाने लगे हैं कि वहां पर बौद्ध विहार, बौद्ध विहार भी वहां पर होना चाहिए। और जैसे कि मराठी गीतों के काफी फेमस कलाकार आनंद सिंधे जी ने भी इस पर आवाज उठा हुआ है, सामाजिक न्याय मंत्री राज्य मंत्री केंद्रीय रामदास अठौले जी भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है। उन्होंने भी कहा नहीं, वास्तव में बौद्ध विहार वहां बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर ब्रैकेट में कहे रावण जी ने भी इस चीज को उछाला है। सीधे हम बात करेंगे, ये सारे जो सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, सीधे बात करेंगे भदंत जी से, जो कि बौद्ध धर्म के भदंत हैं और अच्छी बातें हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, एक एजुकेटेड बीकॉम एमए पीएचडी किए हुए हैं, राहुल बोधी महाथुरु जी। महाथुरु जी, काफी चर्चा चल रही है, 5 तारीख मात्र अभी 2 दिन में 5 तारीख होने वाली है, राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके समाज के बहुत समाज के सारे जो नेतागण हैं ये भी चाहते हैं कि अब सरकार को निर्णय करना चाहिए कि वहां पर बौद्ध विहार बनना चाहिए। अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, तो बड़े लंबे समय के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और उसके बाद वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास करके मंदिर बनाने का जो निर्णय लिया गया है सभी हिंदू भाइयों की ओर से, तो अच्छी बात है। बहुत सालों के बाद वो निर्णय आ गया, बहुत प्रतीक्षा भी करनी पड़ी, लेकिन बौद्ध धर्म गुरु के नाते हमें ऐसा लगता है
कि जब खुदाई हुई अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो खुदाई में हमने कुछ न्यूज वगैरह में पड़ी बात, व्हाट्सएप पर भी कुछ बातें आई है कि वहाँ पर खुदाई में कुछ बौद्ध काल की निशानियाँ, कुछ स्तूपों के अवशेष, कुछ मूर्तियों के अवशेष ऐसे निकले हैं। तो हमारी यही विनती रहेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन अवशेषों को एक भारत की बड़ी अच्छी परंपरा समझकर उसको संभाल के वहाँ पर रखे, उसको डिस्ट्रॉय न करे, और उसी प्रकार उनके लिए एक अच्छा कक्ष भी वहाँ पर बनाया जाए या विहार भी बनाया जाए कि जिस जगह पर वो सुरक्षित रह सके, तो अच्छी ही बात होगी। क्योंकि वो साकेत नगरी बौद्ध इतिहास से जुड़ी हुई है और ये जो अवशेष मिले उससे बौद्ध समाज में एक अलग भावना निर्माण हो गई कि यहाँ पर बुद्ध के स्तूप रहे हैं, विहार रहे हैं, यानी बाबरी मस्जिद के भी पहले। तो इस प्रकार यदि वो अवशेष बुद्धिस्ट है ही, तो वहाँ उसको सुरक्षित रखा जाए। जो मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो अवशेष मिले हैं उसको भी सुरक्षित रखें तो अच्छा ही होगा। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध इस भारत भूमि के एक, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया करके माना जाता है, भगवान बुद्ध का सम्मान सारे विश्व में आज किया जाता है, और यदि वहाँ पर बुद्ध के अवशेष मिले हैं तो उन अवशेषों को बड़े पूज्य ढंग से, सम्मानित ढंग से वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यही हमारी भावना है कि उन अवशेष को ठीक से रखा जाए। बदन जी, जैसा कि आपने देखा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दे को लेकर काफी लंबी प्रक्रिया कानून के अंदर चली है, काफी समय वक्त लगा फैसला आने में, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के, जैसे कि आप सरकार से एक आह्वान कर रहे हैं, बहुत ही एक नम्र आह्वान है, सबसे अच्छी बात रही कि आपने मंदिर के फैसले का लेना का आप स्वागत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी बुद्ध घर बनाने के लिए या सरकार बना के दे देगी, क्या लगता है आपको? हम तो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि भारत सरकार उस पर विचार करके, वो जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर होती है जी, जो खुदाई में मिली हुई चीजें यदि वो बुद्ध की है जी, तो उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का ही, सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो तो आज की चीजें नहीं, वो तो हजारों साल पहले की चीजें है, और जितनी चीजें पुरानी होती है उतना ही उसका बड़ा महत्व होता है समाज में, लोगों में भी। तो ऐसी जो बुद्ध विहार करके वहां पर यदि कुछ ऐसी चीजें मिली तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, और यही हमारी डिमांड रहेगी। मदन जी, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए, बदन धर्म नाते बहुत धर्म गुरु होने नाते, आपकी आखिरी राय, मेरा आखिरी सवाल, और आपकी राय? नहीं, ये तो एक बड़ा प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उसमें बुरा कुछ भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का सवाल है, करोड़ों लोगों के भावनाएं वहां जुड़ी हुई है, और ऐसे बड़े प्रोग्राम में जब उनको इन्वाइट किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर तो कई प्रोग्राम में जाते रहते हैं। हमने देखा कि वो जैनों के प्रोग्राम में भी जाते हैं, बौद्धों के प्रोग्राम में भी जाते हैं, मुस्लिमों के प्रोग्राम में भी जाते हैं, हिंदुओं के प्रोग्राम में भी जाते हैं, और कई बार हमने उनकी क्लिप देखी है कि वो स्वयं हिंदू होने के नाते व्यक्तिगत रूप से हिंदू है, तो हिंदू टेम्पल में जाते हैं और उनकी भावना जुड़ी हुई है, तो उन्हें हम ठेच नहीं पहुंचाए, उनकी जो भावना है वो तो जा सकते हैं, क्यों नहीं। और जब जो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें वो जाते तो अच्छी बात है ना, हम क्यों कहें क्यों ना जाए जी। ये जो मदन जी देखेंगे साफ साफ
लहजों में उन्होंने एक धर्म गुरु जिस तरह होने चाहिए, उन्होंने बड़ी शालीनता से केंद्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से उन्होंने निवेदन किया है कि एक ऐसा बौद्ध विहार बनाया जाए ताकि बौद्ध भिक्षु अगर वहां जाए ठहरे उनके रहने के एक स्थान वहां पर हो सके। जाहिर तौर पर एक निवेदन सरकार से है और जेएमयू की तरफ से मैं भी चाहूंगा कि दोनों सरकारें केंद्र की और राज्य की सरकारें भी भदन जी के इस प्रस्ताव पर विचार करें। और साथ ही साथ एक अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर पार्टियां का विरोध कर रही हैं तो गलत है। अगर देश के प्रधानमंत्री किसी ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जिससे कि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो वो गलत नहीं है, उन्होंने उनके इस फैसले का स्वागत किया है। मेरे सहयोगी नामदेव कॉम्बे के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा जेएमयू न्यूज। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।